As a pet parent, you should know the importance of vaccine for your pet dog. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज मैं आपको डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा कि हम उसकी जो वैक्सीनेशन है किस किस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं एंड उसका शेड्यूल क्या होता है और इस वीडियो के लास्ट में जो वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको भी आंसर करूँगा। वैक्सीनेशन हमेशा एक हेल्दी पेट की होती है। बीमार पेट की आप कभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि अगर आप करवाते भी हैं तो वो वैक्सीन उसकी बॉडी में जाके असर ही नहीं करेगी। कभी कभार क्या होता है कि आपका पेट बाहर से देखने से तो एक्टिव होता है लेकिन अंदर से वो इतना एक्टिव नहीं होता है, मतलब इतना हेल्दी नहीं होता है। तो हमेशा वैक्सीनेशन करवाने से पहले आपके पेट की एक जनरल एग्जामिनेशन ज़रूरी है और ये कन्फर्म करना ज़रूरी है कि आपका पेट हेल्दी हो। वैक्सीनेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उसकी कोल्ड चेन को मैनेज करना। अगर आप वैक्सीन को मान लीजिए फ्रिज से बाहर अगर आप 15 से 20 मिनट भी रख देंगे तो वो ख़राब हो जाती है। आपको देखने से तो नहीं पता चलेगा कि वो ख़राब है लेकिन असल में अगर आप उस वैक्सीन को लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप वैक्सीन लेने जाएं तो हमेशा किसी ट्रस्टेड और प्रोफेशनल लोगों से ही लगवाएं। क्योंकि होता क्या कि अगर वैक्सीन को अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लगवाएंगे तो वैक्सीन जहाँ पर लगती है वहाँ पर एक लंप बन जाता है, लंप मतलब एक गांठ टाइप बन जाती है। तो बेसिकली होता तो उससे कुछ भी नहीं है, वो कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। डिजीजेज कवर्ड इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है कोर वैक्सीन, एक होती है नॉन कोर वैक्सीन। जो कोर वैक्सीन है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं वो होती हैं DHPPI, जिसको हम नॉर्मली इस तरीके से बोलते हैं। डी से होता है डिस्टेंपर, दैट इज केनाइन डिस्टेंपर। एच से होता है हेपेटाइटिस, दैट इज इन्फेक्शियस केनाइन हेपेटाइटिस। एंड पी से होता है पार्वोवायरस, पी आई का मतलब होता है पैरा इन्फ्लुएंजा। तो जो ये डिजीजेज हैं ये इनकी जो वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस है, मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, इसलिए कोर वैक्सीन के अंदर आती हैं। एंड ये जो वैक्सीनेशन है ये आप अपनी पेट की हमेशा करवाएंगे ही करवाएंगे। जो नॉन कोर वैक्सीन है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, केनाइन इन्फेक्शियस ट्रैकियोब्रोंकाइटिस जिसको हम कैनल कफ भी बोलते हैं, ये हो गया, और लेप्टोस्पायरोसिस हो गया। तो जो ये नॉन कोर जो वैक्सीन है ये आप अपने पेट के लिए ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल एज इन कि आपके जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में अगर ये डिजीजेज हैं तो आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आप उस एरिया में ये डिजीजेज नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप ये छोड़ भी सकते हैं। अब मार्केट के अंदर जो है वो बहुत तरह की वैक्सीन आती है, जैसे कि हम बात करते हैं 5-in-1। 5-in-1 के अंदर कौन सी होती है, जो मैंने आपको कोर वैक्सीन बताई DHPPI, इसके अंदर 5-in-1 के अंदर ये DHPPI होता है। एंड जो होता है 7-in-1 के अंदर DHPPI के साथ लैप्टोस्पायरा भी होता है। लैप्टोस्पायरा के जो है वो बेसिकली उसकी दो स्ट्रेन होती हैं, लैप्टोस्पायरा कैनिकोला एंड लैप्टोस्पायरा टेरो हिमरेजिका। तो 7-in-1 के अंदर ये होती है। एक वैक्सीन आती है 8-in-1। अब 8-in-1 के अंदर क्या होता है, ये 7 तो होती ही हैं, इसके साथ एक कोरोना वायरस को ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी जिसको हम बोल देते हैं 9-in-1 या 11-in-1। अब 9-in-1 जो होती है उसके अंदर रेबीज भी होती है, एंड जो 11-in-1 होती है उसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, रेबीज तो नहीं होगी, उसके अंदर जो लैप्टोस्पायरा है उसकी 5 स्ट्रेन होती हैं। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन स्केड्यूल के बारे में। जनरली जो वैक्सीनेशन है हम 45 डेज के बाद स्टार्ट करते हैं, 45 डेज से पहले हम वैक्सीनेशन को प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पपीज़ ने मदर मिल्क पिया होता है उस मदर मिल्क के थ्रू उस पपी के अंदर एंटीबॉडीज चली जाती हैं। अब अगर मान लीजिए हम 45 डेज से पहले अगर उसकी वैक्सीनेशन हम करेंगे तो वो जो एंटीबॉडीज है वो उस वैक्सीन को ख़राब कर देगी और उसकी बॉडी में जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का जो बॉडी में असर होना उसको होने ही नहीं देगी। लेकिन जो पपी डीपी है, जो केनाइन डिस्टेंपर और पार्वोवायरल के जो एक अलग से शॉट्स आते हैं वो हम 30 डेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अब उनके केस में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं उन्होंने उसका जो पपी डीपी का जो टाइटर है एंड वैक्सीन का वो थोड़ा ज्यादा रखा होता है। तो अगर इन केस जो मदर के एंटीबॉडीज हैं वो अगर उसके ऊपर उसको असर होने का जो पपी डीपी का जो असर है उसको कम करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उसका टाइटर ज्यादा होने की वजह से वो इम्यूनिटी बना देते हैं। तो जनरली आप प्रेफर कीजिए कि वैक्सीन को जो है वो 45 डेज से ही स्टार्ट करें। एंड जो अब जो DHPPI है, जो कोर वैक्सीन मैंने जो आपको बताई, वो आप हमेशा लाइक 45 डेज से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली जो लैप्टोस्पायरा है और जो कोरोना वायरस है इसको भी आप 45 डेज से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शियस केनाइन ट्रैकियोब्रोंकाइटिस है जिसको हम कैनल कफ भी बोलते हैं वो आप हमेशा 60 डेज के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड जो रेबीज है रेबीज को हम 90 डेज के बाद स्टार्ट करते हैं। जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल होता है वो बेसिकली एरिया टू एरिया एंड डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। तो अब जो मैं आपको वैक्सीनेशन स्केड्यूल बताने वाला हूँ वो जस्ट एक रेफरेंस पर्पस के लिए, आप चाहे तो उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। अब अगर कोर वैक्सीन की बात करें तो आप 45 डेज पे लाइक जब पपी जो है उसकी जब एज 45 डेज हो जाती है तो आप उस टाइम पे उसको DHPPIL का एक डोज दे सकते हैं। एंड उसके 21 डेज के बाद आप उसको उसका बूस्टर दीजिए, मतलब DHPPIL का ही दूसरा शॉट दीजिए। एंड उसके 21 डेज के फिर बाद में आप उसको जो DHPPIL है
है उसका थर्ड बूस्टर दीजिए एंड उसके एक हफ्ते के बाद आप उसको रेबीज का फर्स्ट इंजेक्शन दे सकते हैं, फर्स्ट डोज दे सकते हैं एंड उसके भी 6 महीने के बाद आप रेबीज का बूस्टर देंगे तो फिर उसके बाद आप उसको एनुअल बूस्टर्स देते जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोर वैक्सीन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर वैक्सीन के साथ साथ लाइक जो नॉन कोर वैक्सीन के जो डिजीजेज हैं वो भी आपको कवर करनी है तो आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। जब आपके पप की एज 1.5 महीने की हो जाती है तो 1.5 महीने की एज पे आप अपने पप को फर्स्ट इंजेक्शन दीजिए। वो किसका होगा? वो होगा DHPPIL का जो फर्स्ट इंजेक्शन होगा। तो अब आप उसके 21 दिन के बाद आप उसको जब उसकी एज हो जाएगी 2 महीने 1 हफ्ता जब उसकी एज हो जाएगी तब आप उसको उसका फर्स्ट बूस्टर देंगे DHPPIL का, मतलब DHPPIL को आप रिपीट करेंगे। अब उसके 1 हफ्ते के बाद आप उसको कोरोना वायरस का फर्स्ट इंजेक्शन दे सकते हैं। अब मतलब जब उसकी एज 2.5 महीने की हो जाएगी, अब इसके 2 हफ्ते के बाद मतलब जब उसकी एज 3 महीने की हो जाएगी तब आप उसको एंटी रेबीज जो है वैक्सीन का फर्स्ट इंजेक्शन दीजिए। अब उसके फिर 2 हफ्ते के बाद जब उसकी एज 3.5 महीने की हो जाएगी तब आप उसको जो कोरोना वायरस है उसका फर्स्ट बूस्टर देंगे, मतलब उसका जो कोरोना वायरस है उसको आप रिपीट करेंगे। अब उसके फिर 2 हफ्ते के बाद जब उसकी एज 4 महीने की हो जाएगी आप जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसका फर्स्ट बूस्टर मतलब उसको रिपीट करेंगे आप। अब जब ये सारा हो गया इसके बाद अब आपको ये आपकी वैक्सीनेशन आपके पप की कंप्लीट हो गई है, अब आप उसको साल के साल उसका एनुअल बूस्टर लगवा सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट वैक्सीनेशन, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके मन में नॉर्मली आ जाते हैं अबाउट वैक्सीनेशन को लेके, तो उनमें से जो मैं top 5 क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम 2 अलग अलग वैक्सीन को एक ही टाइम पे किसी डॉग में इंजेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। हम कोई 2 अलग अलग वैक्सीन, सपोज कभी कभार हमको क्या होता है, कभी कभार हम DHPPIL प्लस रेबीज को हम इकट्ठे इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसका सिस्टम क्या होता है कि आपको जो वैक्सीन जो आपको इंजेक्ट करनी है वो डॉग के अलग अलग साइड्स पे इंजेक्ट करनी है। मतलब अगर आप एक वैक्सीन को राइट साइड पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी वैक्सीन को आप लेफ्ट साइड पे इंजेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ml वैक्सीन एक छोटे से पप्पी के लिए मतलब के लिए भी और एक वही सेम 1 ml वैक्सीन एक बड़ी जाइंट ब्रीड के लिए भी, ये कैसे? तो बेसिकली होता क्या है कि जो वैक्सीन है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं उसकी डोज बनती है, वो बेसिकली उसकी जो डोज बनती है वो मिनिमम इन्फेक्शियस डोज के बेस पे बनती है। मतलब कि चाहे डॉग छोटा हो या बड़ा हो उस पर मैटर नहीं करेगा, सबके लिए जो वैक्सीन की जो डोज है वो 1 ml ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम वैक्सीन को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, हम बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीनेशन को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हम 2 अलग अलग ब्रांड्स की वैक्सीन को इकट्ठे यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, तो हम आप डिफरेंट कोई भी 2 अलग अलग ब्रांड्स की वैक्सीन को भी इकट्ठे आप यूज कर सकते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने अपने पेट को एक इंजेक्शन तो लगवाया बट सेकंड वैक्सीन के लिए जो उसका बूस्टर लगना था उसके लिए मैं लेट हो गया, तो मैं क्या करूं? तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई भी बूस्टर लगाना होता है तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम उसको 6 हफ्ते के गैप के बीच में लगाएं, लेकिन अगर इन केस किसी वजह की वजह से आपसे वो मिस हो गया, आप भूल गए हैं या कुछ भी हो गया है और आपके जो वो स्पैन है 6 हफ्ते का उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो अब क्या होगा? तो अब आप जो आपका पेट है उसको अब आपको 2 और इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 1, तो बस एक इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल, क्योंकि मैं वीकली इंटरवल पे वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ। एंड अगर आपके मन में अपने पेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज़ कमेंट डाउन।